मार जब बेबी डेलीवरी हो जाए माँ को लगे जमी सब दायित्व तार सरीगला। गर्भधारण समय रे मार मनरे बहुत डर थाए काले ता पिला भलरे नॉर्मल रे हम किंबा सिजेरियन हम काले पुओ हम ना झियो हम काले तार पिला सुंदर हम कि असुंदर हम ये सब गुड़ाए प्रश्न ता मनरे आसी थाए। वन्स डेलीवरी सरीगला परे सत्ते जमिति ता चिंता सब सरीगला परे ताकु लागे। ए समय रे सी बहुत एग्जॉस्टेड फील हुए एवं नॉट ओनली मन भितर बट ता देह बॉडीली मध्य बहुत एग्जॉस्टेड फील करे। ये सब चेंजेस वन्स डेलीवरी हेला परे ये सब चेंजेस विषय रे आपन सहित डिस्कस करिया को। नमस्कार, मु डॉक्टर सुस्मिता साहू सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एसएस हॉस्पिटल आपण पाखरे ए वीडियो तैयारी करची एवं जेहेतु एटा पोस्ट डेलीवरी केयरटा बहुत लेंथी हम ताको चारि विभाग रे विभक्त करूची। प्रथमे चारि भाग रे जो पोस्ट डेलीवरी केयर कहिबी प्रथम भाग पार्ट 1 टारे बॉडी चेंजेस आफ्टर डेलीवरी मार कौन कौन चेंजेस रहिबो डेलीवरी परे माँ घर इमीडिएट चेंजेस कौन रही आसीबो आउ सब्सिक्वेंटली तीन मास भीतर कौन चेंजेस रहिबो सेटा फर्स्ट पार्ट रे कहिबी। सेकेंड पार्ट रे पोस्ट डेलीवरी केयर केंती नबो केंती तार बॉडी रो चेंजेस फ्रॉम रो केयर नबो केंती से प्री प्रेग्नेंट स्टेज जाके तो संपूर्ण चेंजेस हबनी किंतु किछिटा निज केयर नै केना ऑलमोस्ट प्री प्रेग्नेंट स्टेजेस जाके पहुंची पारिबो। आ थर्ड पार्ट रे कहबी पोस्ट डेलीवरी डाइट कौन पार्ट 3 रे कहबी डाइट रे कौन कौन रखिबो जेंति कि तार पोस्ट डेलीवरी टाइम रे तार डाइट रे हाईली न्यूट्रिशियस आ भलो रहिबो ता बॉडी पे। आ फोर्थ पॉइंट फोर्थ पार्ट रे कहबी पोस्ट डेलीवरी एक्सरसाइजेस कौन करिबो एंड फिफ्थ पार्ट रे कहबी पोस्ट डेलीवरी कॉन्ट्रासेप्शन केमती हम पिला जन्म हेला सांगे सांगे सी तो पुणी प्रेगनेंसी हेबार चान्स अच्छी केबे ठू प्रेगनेंसी हम आबे आ सी के निजपाई प्रोटेक्शन देव पोस्ट डेलीवरी कॉन्ट्रासेप्शन विषय कह। नाउ पार्ट 1 हूँ पोस्ट डेलीवरी चेंजेस इन द बॉडी ऑफ मदर माँ देह कौन कौन चेंजेस आसे आफ्टर डेलीवरी इमीडिएट चेंजेस आउ लेट चेंजेस ताहा मु प्रथम रु मुंडरु गोड़ जाके गोटे गोटे पॉइंट धरी बुझेबी। इमीडिएटली आफ्टर डेलीवरी ऑफ द बेबी सांगे सांगे बेबी रो डेलीवरी हो सारा पर माँ बहुत गुड़े रक्तस्राव हुए। नॉर्मली नॉर्मल डेलीवरी रे 600 to 800 ml ऑफ ब्लड लॉस हुए आउ सीजरियन सेक्शन रे 800 to 1000 ml ऑफ ब्लड लॉस हुए रक्तस्राव हुए ताठ अधिका 1000 रु लिटर रु 1.5 लिटर ऊपर जब ब्लड लॉस हला मार तेब आम पीपीएच को पोस्टपार्टम हेमरेज जोटा कि टी मार हेल्थ उपर डेंजरस थाए जदि माँ एनेमिक थी सी बहुत सीरीयस भी हो जाए ता रक्तहीनता पाई भी बहुत किसी मैटरनल डेथ भी हुए। पूर्व काल रे मैटरनल डेथ मोस्टली मैटरनल हेमरेज पाई हुए पीपीएच पाई हुए सेति पाई प्रथम 48 आवर्स आफ्टर डेलीवरी जब प्लेसेंटा भारी जाए फुल भारी जाए से माँ सब प्रथम 48 आवर्स इज टोल्ड एज गोल्डन आवर्स। मोस्ट ऑफ द डेलीवरीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल आम 48 आवर्स जाके रखू 48 आवर्स पर ही डिस्चार्ज करूँ आ प्राइवेटली भी 48 आवर्स बहुत जन रखती 24 आवर्स तो निश्चिंत भाव में रखा कथा कहीं दिस 48 आवर्स भितर मार कंडीशन को हॉस्पिटल स्टाफ मॉनिटर कर बीपी पल्स देखती ब्लीडिंग होना ना से देखती आउ इन द मेन टाइम बेबी रो भी केयर नियंती ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करती आउ बेबी एक्टिव अच्छी ना नाई
तार झाड़ा परिसर ठीक हो ना ना तार टेम्परेचर ठीक अच्छे ना ना से सब मॉनिटर करती इफ 24 आवर्स बेबी रहिला विथ मदर। नेक्स्ट हूँ जदि आउ जब डेलीवरी हेला परे जो रक्तस्राव हुए ताकु मध्य तीन टा भाग रे डिवाइड हुए जोटा रेड कलर रो इमीडिएटली रक्तस्राव हुए अराउंड 3 to 4 डेज जाके सेटा लोकिया कुआ हुए लोकिया रुब्रा रुब्रा मीन्स रेड कलर रो ब्लीडिंग होची। तापर नेक्स्ट होची लोकिया सिरोसा जोटा कि धौला हो नाली टेंच रे सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज हुए ता सेटा 7 डेज जाके हुए 7 to 10 डेज जाके हुए तापर हुए 7 to 14 डेज जाके व्हाइट डिस्चार्ज पुरिया सेटा होची लोकिया अल्बा। नेक्स्ट होची जदि अधिका रक्तस्राव हैला कि अधिका पेन हैला तेबे निश्चिंत भाव रे पेशेंट हॉस्पिटल स्टाफ को इनफॉर्म करिया कथा एंड हॉस्पिटल स्टाफ आल्सो शुड अटेंड द पेशेंट। नेक्स्ट होची आपणकर एटा हैला रक्तस्राव। नेक्स्ट होची फेस रो हेड रू टो जाके मु कहबी फेस रो कौन चेंजेस आसे इमीडिएटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो लेट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी फेस रे पिगमेंटेशन आसे जहाँ को आम क्लोजमा कहू बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस तार चिक्स रे नोज रे फोरहेड रे डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन हुए तार कार इवन बॉडी रे भी कोटी कोटी हुए इवन पेटर भी लिनियर नाइग्रा और सब पिगमेंटेशन हुए जोटा कि आस्ते आस्ते विदिन 3 months कमे आस्ते आस्ते पिगमेंटेशन आ किछटा पिगमेंटेशन रही जाए को केंती सेटा कमिबो आ भविष्य रे कौन करबे से विषय रे मु सबसिक्वेंट पार्ट ऑफ दिस प्लेलिस्ट देखिबे आपन को सबसिक्वेंटली कहिबे। फेस रे गला परे देन कम्स द ब्रेस्ट देन ब्रेस्ट रे यूजुअली ब्रेस्ट रो ड्यूरिंग लेट स्टेज एंड ड्यूरिंग आफ्टर डेलीवरी जे मिल्क सिक्रेशन हुए जहाँ प्रथम 2-3 दिन कोलेस्ट्रॉम थिक लिक्विड कोलेस्ट्रॉम सिक्रेट हुए जोटा कि बेबी पाए अमृत जोटा कि निश्चिंत भाव में बेबी को देवा कथा आईथे ही मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज सिक्रेटरी एंटीबॉडीज ये सब थाए जोटा पाए बेबी रो इम्यूनिटीटा लाइफ लॉन्ग रहे तो से क्षीरटा कस क्षीर जोटा आम कहू ओडिया से निश्चिंत भाव में आप देवा कथा। ब्रेस्ट चेंजेस भितर ब्रेस्ट एनलार्ज्ड थाए बिकॉज ऑफ मोर ऑफ मिल्क बने सेकेंड हूँ तार जो एरियोला पार्टा थाए से बेसी डार्कन हो जाए ब्लैक कलर कि डार्क ब्राउन कलर हुए निपल मध्य टिके बड़ा ही जा इरेक्ट थाए से जमती कि बेबी ताको सक कर पारे से टाइप रो हो जाए आहरे भी मोंटगोमेरी ट्यूबरकुलोसिस अल्प अल्प स्पॉट्स आसे जोटा कि मोंटगोमेरी ट्यूबरकुलोसिस कुआ हुए जोटा कि एरियोला चारिपटे थाए सेबेशियस ग्लैंड्स। नाउ कम्स द चेस्ट गला परे एब्डोमेन यूट्रस ड्यूरिंग द बिफोर डेलीवरी जस्ट चेस्ट रिबकेज तल को आस जाए एति कि बड़ थाए 30 टर्म साइज रे आस्ते आस्ते डेलीवरी हो सारा परे सीए ना ही पाखापाखी हो जाए 24 weeks जाके 24 weeks रो साइज रे आस जाए आस्ते आस्ते सेटा कॉन्ट्रैक्ट करकिना विदिन 3 मास तल को जाए दिस इज द चेंजेस इन द यूट्रस। यूट्रस जहाँ कि आमर नॉन प्रेग्नेंट स्टेज रे 40 to 50 grams थाए 40 to 50 grams एंड दस अ साइज ऑफ अ फिस्ट मुठी कले जी बड़ साइज हुए से बड़ यूट्रस थाए किंतु जब टर्म साइज रो 1.5 kg किंबा किले माने बेबीटा काढ़ी देला परे 1.5 kg किंबा 1.2 to 1 kg बेबी माने यूट्रस टा साइज हो जाए इंक्रीज करी आस्ते आस्ते से जब
बेबी प्लेसेंटा भारी जाए हटा सेंसटा यूट्रस नाभि पाखा पाखे आ जाए तापरे आस्ते आस्ते कमे माने हाड़ पेल्विस हाड़ भीतर आस्ते आस्ते पसे ना ब्रेस्ट ये यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट हुए दैट इज आल्सो अ नॉर्मल फेनोमेनन सेटा कॉन्ट्रैक्ट न होले हमें इंजेक्शन दे एंटी माने यूट्रोटोनिक इंजेक्शन दे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करू नले ब्लीडिंग अधिक हम प्लेसेंटा जोटा कि यूट्रस रे र इनर सरफेस रे लागी थाए जहाँ द्वारा पिला को ब्लड सप्लाय आ खाद्य जाय थाए पिला नाही थ्रू रे सेटा सेपरेट हेले जो ओपन साइनसिस थाए यूट्रस रो इनर सरफेस रे से थ्रू ब्लीडिंग आसे आ सेटा यूट्रस टा आस्ते आस्ते कॉन्ट्रैक्ट करिना से साइनसिस को बंद करे आ ब्लीडिंग टा आस्ते आस्ते कमाए से सेथि पई यूट्रस आस्ते आस्ते साइज कमे आ टाण हो जाए गोटे पत्थर परी लागे आ बहुत जन कहते भी मैडम मोर गर्भाशय पिला तो बाहर जाइए कि नाही पाखे गोटे कौन टाण पी लगे हूँ यूट्रस यूट्रस कंट्रैक्टेड यूट्रस नेक्स्ट हूँ यूट्रस पेट पाखे भी जो पिगमेंटेशन थाए से भी आस्ते आस्ते कमे आ नेक्स्ट हूँ एनगोर्स्ड वेन्स वेन्स करा भी बहुत जन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुए तो वेन्स जो गोड़ रे भी आसी जाए कह बिकॉज हाइपरकोएगुलेबल स्टेज आसी जाए प्रेगनेंसी रे जोटा कि वेन्स सब भी एनगोर्स थाए आस्ते आस्ते सेटा भी कमे आउ नेक्स्ट हूँ पादर भी एनगोर्स वेन्स थाए से कमे आ पाद भी कहकर लास्ट किसी मस फुले फिज लास्ट मसरे पाद मध्य कहकर फुले कौ मार फुले जोटा कि फिजियोलोजिकल इडिमा को आ पाद फुला आस्ते आस्ते मध्य किसी दिन भीतर कमी थाए जमी माँ चलाबुला कर मुवमेंट हुए आ जो पेडल इडिमा आस्ते आस्ते से पानी अंश भी कमी जाए एबे आउ गोटे जिनस भी देखा देई जे जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस को माँ मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन रे जाती आउ चिड़चिड़ा हुआ ताको पोस्टपार्टम ब्लूज कुआ हुए जोटा कि तर मेंटल चेंजेस बहुत हुए आउ सी केबे रागी जाती केबे केबे डिप्रेशन रे जाती आउ तांकर जेतु कम निद आसे कम निद कम रेस्ट ए सब हुए तो मेंटली भी बहुत जन अपसेट रहा डिप्रेस्ड रहा चिड़चिड़ा हो जाते आई सब भी इट इज अ पार्ट ऑफ देयर हार्मोनल चेंजेस इटा भी समस्ते बुझा कथा इटा रहा माँ रो बॉडी रो चेंजेस कौन कौन डेलीवरी परे संगे संगे हुए एवं साहा आस्ते आस्ते नॉर्मलाइज हुए विदिन डेढ़ मास रु तीन मास भीतर सेटा समस्ते घर लोक भी बुझा कथा हस्बैंड ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बेबी डेलीवरी आ सब समस्ते हस्बैंड एंड फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट करिया कथा ए सब जिनस रे दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ मदर एटा मदर भी से जिनस निजे हैप्पी रही बुझिकिना पिलार केयर नेबा कथा ए वीडियो रे बस एतिके कहिबी नेक्स्ट वीडियो रे होची पोस्ट डिलीवरी केयर केंति नबो ए सब चेंजेस जो आपनको बॉडी रे आसीची आर चेंजेस पाई प्रेगनेंसी टाइम रे कोन केयर नबो प्रेगनेंसी पोरे कोन केयर नबो से विषय रे मु पार्ट 2 पोस्ट डिलीवरी केयर पार्ट 2 रे कहिबी टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी सेफ इन योर होम Thank you. Love you all. Thank you once again.